हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। तो आज की वीडियो है स्टैंडर्ड स्पाउस वीज़ा के वाले से। जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है वो डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। तो आपने वीडियो देखनी है एंड तक, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो। अगर आपने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है यूके का, तो आपने अपनी बायोमेट्रिक डेट से जो है वो कमेंट में सेंड करनी है। लेकिन आपने साथ ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपका वीज़ा कौन सा है, वीज़ा कैटेगरी आपकी क्या है। स्पाउस वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, स्टैंडर्ड स्पाउस वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है। तो ये आप साथ लिखा करें। आप डायरेक्ट जो है बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लिख देते हैं तो इससे क्या पता कि आपका वीज़ा कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम है वीज़े का, स्पाउस वीज़े का, स्टैंडर्ड वीज़े का, वर्क वीज़े का। वो एक मैं वीडियो भी बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो इस चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में एक वीडियो बनी हुई है। तो इसके अलावा मैं कुछ और भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, 89% जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, और आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। तो वीडियो आप पूरी देखा करें और चैनल को भी सपोर्ट करें। ये आपका अपना फैमिली चैनल है, और इसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलेंगी, और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें, और इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड स्पाउस वीज़ा के हवाले से एप्लीकेशन की जो डिटेल्स आई हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो पूरी वॉच करेंगे। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल तो देख ही लिया वीडियो का, और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीज़ा की डिटेल। ये वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, स्टैंडर्ड वीज़ा है, स्टैंडर्ड स्पाउस वीज़ा। तो इसकी जो डिटेल है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मुझे आई है डिटेल कंफर्म हुआ है, ताकि इसमें बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर किया करो, वीडियो बताया करो, पॉइंट्स जो भी होते हैं। तो आज मैं आपके लिए मुकम्मल डिटेल लेके आया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने ज़रूर वीडियो एंड तक देखनी है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, अगर आपने भी यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ इनका जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन इनकी हुई है 28 जनवरी को, इस साल की जो फर्स्ट मंथ है जनवरी का, 28 28 तारीख, सॉरी 28 तारीख को इनकी एप्लीकेशन डेट जो है ये हुई है, जब सबमिट किए हैं इन्होंने डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद आती है बायोमेट्रिक डेट, फिंगरप्रिंट, वो इनके हुए हैं 16 फरवरी को 2024। 16 तारीख दूसरे महीने की इनको जो है कि बायोमेट्रिक डेट मिली है, बायोमेट्रिक इनकी हुई है 16 अप्रैल को। तो उसके बाद इनको इको ईमेल आ गई है, जो मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता भी हूँ पॉइंट। इको ईमेल आई है इनको 7 मार्च 2024। इको ईमेल जनरल ईमेल होती है, बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं इको ईमेल के लिए कि ये क्या चीज़ है, ये हमें आई है, कुछ कह रहे हैं हमें नहीं आई। तो इसमें वरी नहीं होना आपने, ये एक जनरल ईमेल होती है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो ये ईमेल आपके लिए काम की है, अदरवाइज़ जर्नल ईमेल आपको जो है कंफर्म करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पहुंच गए हैं यूके होम ऑफिस में। अगर आपने और डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो लगा सकते हैं, बस। इसके अलावा आपके केस के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा इको ईमेल से, ठीक है। तो इसके बाद डिसीजन लेटर की इनको ईमेल आई है 5 अप्रैल को 2024। इनको डिसीजन की ईमेल जो आई है कि आपका डिसीजन बन चुका है, वो आई है इनको 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2024। तो इसके बाद आती है जनाब इनको सक्सेसफुल की ईमेल, वो इनको आई है नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को
जो है सक्सेसफुल ईमेल। सो इनको दो ईमेल आई हैं, एक आई है इनको डिसीजन लेटर की, तो दूसरी आई है इनको सक्सेसफुल की ईमेल। तो 22 अप्रैल को इनका पासपोर्ट रिसीव हुआ है। सो आप देख सकते हैं कितने टाइम के बाद इनको पासपोर्ट मिला है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं और उनको पासपोर्ट बहुत ज़्यादा लेट मिल रहे हैं। एक ये केस नहीं है इसमें, इसके अलावा और भी बहुत सारे केस हैं। इनको के जो मिला है पासपोर्ट की ईमेल, मतलब कि इन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट किया है, वो किया इन्होंने 22 अप्रैल मंडे। सो 22 तारीख को इन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया है, तो इनका वीज़ा लगा हुआ था। तो ये थी गाइस अपडेट जो स्टैंडर्ड स्पाउस वीज़ा की आपके साथ शेयर की है। और इनका सॉलिसिटर भी नहीं था। सॉलिसिटर होता है जो आपके फाइल सारी रेडी करता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट के लिए बताते हैं, तो उसके अलावा आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इसकी फ़ीस भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नए लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए भी ज़रूरी है जानना ये जो अपडेट है। तो इसके अलावा इनकी प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं थी, इन्होंने विदाउट प्रायोरिटी सर्विस के अप्लाई किया हुआ था और इनका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। तो ये जनाब आज की थी अपडेट स्टैंडर्ड स्पाउस वीज़ा के हवाले से, जो बायोमेट्रिक डेट है और वीज़ा की और पासपोर्ट की मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है यूके का, आपकी जो बायोमेट्रिक डेट है, कौन सी कैटेगरी है आपके वीज़ा की, वो साथ लिखेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा कि आपका वीज़ा कब आपको मिलने जा रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं, सिर्फ लिखते हैं बायोमेट्रिक डेट और पूछ रहे हैं जी हमें वीज़ा कब मिलेगा। ओ यार मुझे कैसे पता कि आपका वीज़ा कौन सा है, शादी का वीज़ा है, काम का वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, कौन सा वीज़ा है। तो जब ये बात ही क्लियर नहीं होगी तो आपको कैसे जवाब दिया जाएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप अपनी बायोमेट्रिक के साथ वीज़ा भी लिखें कि वीज़ा आपका कौन सा है, ठीक है, तो आपको जवाब दिया जाएगा ज़रूर। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको जवाब ना दिया हो, सबको जवाब दिया जाता है। अगर आपको यूके वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं भी याद करता हूँ और आपके लिए वीडियोस भी बना के ले आता हूँ। जो भी अपडेट आती है यूके होम ऑफिस की तरफ से वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप ज़रूर विज़िट करें, जो नए लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और बहुत से लोग हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसा ना किया करें, चैनल को भी सपोर्ट किया करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते वीडियो, और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इससे चैनल को मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा मेरे YouTube पे विज़िट ज़रूर करना आपने, जो नए लोग आ रहे हैं और पुराने भी, थैंक यू सो मच सबका जो वीडियोस भी देखते हैं, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें चैनल को, और मैं भी आपके लिए मज़ीद अपडेट लेके आऊँगा यूके वीज़ा के वाले से। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने ज़रूर विज़िट करना है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे वीडियो के लिंक दिए हैं जो आपके काम आएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं जवाब दूंगा।